और अब बात पाकिस्तान की एक और साजिश की। पाकिस्तान की हमास जैसी साजिश की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन हमास की तरह पीओके में पाकिस्तान आर्मी साजिश रच रही है। पाक आर्मी आम लोगों की जमीन कब्जा कर रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आम आदमी की जमीन पर मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। जबरन मिलिट्री कैंप बनाने के लिए लोगों को पाकिस्तानी सेना धमका भी रही है। मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट, ये पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह, ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया हमारी ज़ाती मलकियत में। और इसके साथ ज़ाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। और साथ में ये चार टेंट, ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, चार टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि हम दो दिन में चले जाएंगे। फिर मैं आया, फिर मैं वापस गया इनके पास, काफ़ी देर इनसे बात होती रही। इन्होंने कहा कि पाँच दिन में चला जाएंगे। बात यह कि जाने या न जाने की बात अलग है, लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वो किसकी इजाज़त से आपने लगाया, ये ज़ाहिर है हमारी ज़ाती मलकियत है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, और लिहाजा ये देखें, ये सीधी सीधी बदमाशी हो रही है। और ये साथ में ज़ाहिर है यहाँ मोहल्ले वाले होते हैं, और लड़कियाँ, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे सब यहाँ से गुज़र होता है। और सुना है कि सुबह सुबह ये यहाँ खड़े होके जो है ना गुसल करते हैं और सरेआम गुसल करते हैं, ये साथ खड़े होके ये इस जगह पे ये गुसल करते हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना का दमन आम लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर रही है पाकिस्तानी सेना। हमने आपको बताया किस तरीके से वहाँ से वीडियो निकल करके सामने आ रहे हैं, लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर मिलिट्री कैंप बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ये काम लगातार कर रही है। रिहायशी इलाकों में कैंप बनाकर आम लोगों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई गई है। आतंकियों को बचाने के लिए रिहायशी इलाकों में ठिकाने बनाने की पूरी स्ट्रेटजी है। भारत के किसी भी एक्शन से बचने के लिए रिहायशी इलाकों को ये ठिकाना बनाया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।